जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। बता दें कि जापान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था से फिसलकर चौथे पायदान पर आ गया है। नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की थी, अब ये खिताब जर्मनी को मिल गया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी क्वार्टर में जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट की वजह से जापान में मंदी के आसार बने हुए हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर भी आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती ही जा रही है। इसका मतलब है कि किन किन तकनीकों की वजह से जापान मंदी की चपेट में आ सकता है। जापान के कैबिनेट कार्यालय ने बताया कि देश के घरेलू उत्पादकों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर में 0.4% की गिरावट आई है। इस वक्त जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान एक पायदान के नीचे खिसक कर जर्मनी के स्थान पर चौथे नंबर पर चला गया है। साल 2022 और 23 में जापान के मुद्रा में आई गिरावट की वजह से बैंक ऑफ जापान को ब्याज देने में भी दिक्कत आई, जिसका उद्देश्य था इन्फ्लेशन को बढ़ाना। साल 2019 के बाद भी जर्मनी के मुकाबले जापान की जीडीपी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। एक और दुनिया की टॉप 3 रैंकिंग में अप डाउन हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब भारत के पास जर्मनी और जापान को पिछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के भी अवसर हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स पर जारी आंकड़ों के मुताबिक 2028 में विश्व की अर्थव्यवस्था में टॉप 1 पर चीन आ जाएगा और तीसरे नंबर पर भारत रहेगा। IMF के आंकड़ों के अनुसार 2026 में जापान से और साल 2027 में जर्मनी से भारत के आगे निकल सकता है, लेकिन दोनों देशों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जल्द ही बैंक ऑफ जापान कोई अहम फैसला ले सकता है। बता दें कि 1960 के दशक में अंत तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरे से चौथे स्थान पर फिसलने तक जापान को कई जटिल आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।